नमस्कार, वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। अमरावती जिला के मेलघाट तालुका से ताल्लुक रखने वाले चुरुणा गांव के सपुत्र 8 वर्ष पहले भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बिहार रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में अपनी सेवाएं दे रहे देश के वीर सपूत मुन्ना शेलोकर, वह बीते गुरुवार 3 जनवरी को 1 बजे के दरमियान हिमस्खलन की वजह से शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर 6 जनवरी की रात नागपुर से अमरावती पहुंचा। अमरावती जिला में उनका पार्थिव शरीर पहुंचते ही शासन की तरफ से उप जिला अधिकारी प्रियदर्शनी बोरकर, जिला सैनिक अधिकारी काप्तक दीपक लिम से इन्होंने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वंदे 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 भारत माता की जय, 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 वंदे वंदे वंदे। इसके बाद चिखलदरा तालुका के उनके पैतुक गांव चुरनी में रात लगभग 2:30 बजे के दरमियान पार्थिव शरीर पहुंचा। इसके बाद उनके घर पर सूबेदार व शासन से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों ने पहुंचकर उन्हें सलामी दी। इसके साथ साथ शहीद के पार्थिव शरीर को सलामी देने के लिए चिखलदरा पुलिस व मध्य प्रदेश माजी सैनिक और तहसीलदार प्रदीप पोपट भी पहुंचे। चिखलदरा पुलिस स्टेशन के थानेदार शिंदे, एएसआई सुरेश लखाड़े, काटकुम पुलिस चौकी के एएसआई राठौड़ व कर्मचारी, इन्होंने भी रात भर परीक्षण किया। इसके बाद शहीद के पैतृक गांव पहुंचकर सेना की टुकड़ियों ने भी शहीद को सलामी दी। खलकर और उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना के बाद से पूरे ही चिखलदरा तालुके में शोक की लहर है और हर कोई नम आंखों से चिखलदरा के वीर सपूत को सलामी दे रहा है।